ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो इस विधि से करें व्रत पूजन। सावन के महीने का हर दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, क्योंकि इस महीने में भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इस महीने में भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। सावन के महीने में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व है। आज हम आपको सावन सोमवार के पूजन, व्रत और इससे जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में बताएंगे। आइए पूजा विधि को जान लेते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ विशेष विधि से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। नंबर 1, प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की सामग्री एकत्रित करें। इसमें एक थाली में एक लोटे में जल या दूध ले, आप चाहे तो दोनों को मिलाकर भी ले सकते हैं। इसके साथ ही बेलपत्र, एक माला, थोड़े से फूल चंदन, एक या दो फल, साथ में दीपक धूप आदि लेकर मंदिर जाएं। नंबर 2, मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग का पहले जलाभिषेक करें, उसके बाद ओम नमः शिवाय के उच्चारण के साथ दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके साथ ही आप भगवान शिव का ध्यान करके बेलपत्र, फल, फूल भोलेनाथ को अर्पण करें। नंबर 3, यदि मंदिर में महादेव की मूर्ति है तो उनके सामने धूप व दीपक जलाकर बैठ जाएं और भोलेनाथ का ध्यान कर मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। नंबर 4, शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। नंबर 5, मंदिर में दान अवश्य दें। इस दिन दान करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसके बाद घर आकर घर के मंदिर में दीपक धूप से भगवान की पूजा करें और उन्हें फल मिठाई अर्पण करें, साथ ही व्रत का संकल्प लें। व्रत की विधि। सावन के महीने में सोमवार के व्रत को सही विधि से करने से भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहेगी। नंबर 1, सोमवार के व्रत में कभी भी नमक का प्रयोग ना करें। यदि आप फलाहार भी करते हैं तो काला व सफेद नमक का उपयोग बिल्कुल ना करें। शाम को जब उपवास खोले उस समय भी किसी मीठे व्यंजन का उपयोग करें। नंबर 2, सोमवार को ध्यान रखें कि घर का कोई भी सदस्य, चाहे उसने उपवास रखा है या नहीं, वह तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि। नंबर 3, इस दिन मन को आध्यात्म से जोड़कर रखें। किसी की निंदा, छल कपट, घृणा, मन मुटाव आदि को मन में स्थान न दें, साथ ही किसी की बुराई ना करें। भोलेनाथ को सच्चे और ईमानदार भक्त ही प्रिय है। नंबर 4, भगवान शिव की पूजा में भूल कर भी तुलसी का प्रयोग न करें। इसके साथ ही सिंदूर, शंख, नारियल और हल्दी को भी वर्जित माना गया है। नंबर 5, शाम के समय उपवास पूरा करें। किसी मीठे व्यंजन से भगवान शिव को भोग लगाकर उसे ग्रहण करें। रात के समय भगवान शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और रात्रि के समय भजन कीर्तन करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब मैं आप सभी दोस्तों को सावन सोमवार के व्रत की कथा सुनाऊंगी। भविष्य पुराण के अनुसार सरस्वती नदी के किनारे विमला नामक एक नगरी थी। उसमें कुबेर के बराबर का धनी चंद्र प्रभु नामक राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री रूप लावण्य और सौंदर्य से परिपूर्ण थी। एक दिन चंद्र प्रभु राजा ने कौतूहलवश शिव पूजन का महत्व अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहा, हे बड़े बड़े नैनों वाली मृग की सी देवी, सुनो, एक राजा के परम बुद्धिमान 7 बेटे थे। उनमें से एक लड़के की पत्नी पतिव्रता थी। उसने समय आने पर 2 लड़कों को जन्म दिया। उससे एक सब शुभ लक्षणों वाली लड़की पैदा हुई। उम्र आने पर उसका विवाह हुआ, पर वह अपनी पति को प्यारी न लगी, इस कारण वह वन को चली गई। एक दिन वह बहुत सी गायों को चराती हुई वहाँ शार्दुल, बरा, वन भैंसा और हाथी को देख भयभीत होकर मूर्छित हो गई। फिर उठकर प्यास के मारे बड़े भारी घनघोर वन में घूमने लगी। वहाँ उस राजकुमारी ने एक ऐसा अपूर्व सरोवर देखा जो सैकड़ों चकोर, चक्र, कारंड, औरों से सुशोभित हो रहा था। खिले हुए उत्पल, पद्म, कलहार और कुमुद
उसकी निराली शोभा को और भी अधिक बढ़ा रहे थे। वह जब उस सुहाने सरोवर के पास पहुंची और उस सरोवर का पानी पिया, वहां उस रानी ने बहुत सी अप्सराओं को उमा पार्वती का पूजन करते हुए देखा। जब उसने उन अप्सराओं से पूछा, तब उन्होंने रानी को बताया कि हम यहाँ शिवा मुष्टि सोमवारी का व्रत कर रहे हैं। यह स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति देने वाला व्रत है, इसलिए हे प्रतिव्रते, तुम भी इस व्रत को करो। उन अप्सराओं ने उसे व्रत की सारी विधि विधान बताई। व्रत का विधान सुनकर संयमित चित्त वाली राजपत्नी ने उस व्रत को ग्रहण किया। वह श्रावण मास के चारों सोमवारों को शिवा मुष्टि का व्रत रखी, शंकर जी की श्रद्धा और भक्ति के साथ मनोयोग से पूजा अर्चना की, सभी ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराकर आशीर्वाद ली। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पति की अत्यंत प्यारी रानी हो गई। इसीलिए यह सुंदर व्रत सभी स्त्रियों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।